कोहली भाई ये तुम्हारे आईपीएल में क्या हो रहा है भैया, हर कोई हैदराबाद को हर बार पेल देता है, ठोक देता है। जब 8 टीमें थी फिर भी ये ससुरी के 8वें नंबर पर, अब 10 टीमें हैं। हमने सोचा चलो 7 में 8वें नंबर पर आएगी, ये फिर 10वें नंबर पर। बाबर भैया कुछ नहीं हो रहा, ये हैदराबाद है ही मनुष्य, इसकी किस्मत ही ससुर की नाती, इसकी तरह पनौती है। ये मैच टू मैच नहीं खेलते भूतनी के, पिछले रिकॉर्ड देखते रहते हमने, ये क्या वो क्या। भूतनी वालों जो मैच हो रहा उस पर ध्यान दो ना। कोहली ब्रदर ये तुम कैसा बात करता, मैच पर तवज्जो देता, डी कुमार को हटा के हम कप्तानी क्या। हमने सोचा बढ़िया करेगा, लेकिन हमारी किस्मत तो ससुरा उससे पनौती निकलता। हमारा टीम केवल 20 ओवर में 121 रन बना सकता, हम शून्य पर आउट होता पहली गेंद पे। तो मार्कन मियां आपको किसने बोला ससुर के नाती तू कप्तानी कर ले, तुझे क्या लगा तू जितवा लेगा। भैया कल तो तूने बेइज्जती करवा दी, पिछला मैच तो चलो बारिश की वजह से हारे थे, लेकिन तुम्हारी किस्मत में हार ही लिखी है। जैसे मर्जी हो हार तो मिलेगी आपको। कोहली ब्रदर मियां बस करो यार, इतना बेइज्जती मत करो। पहले हमारा मैच में इस तरह से बेइज्जती हुआ, ये एलएसजी वालों ने कुछ भी ख्याल नहीं किया, लखनऊ वालों ने ऐसे धोया, भूतनी वालों कभी मिलेंगे हम बदला जरूर लेंगे। कोहली भाई अबे चुप करो, ससुरी वालों हैदराबाद वालों तुम्हारे बस की बात नहीं थी, तुम लखनऊ की टीम से जीतते, हमारी टीम है भैया एक से एक बढ़िया प्लेयर है। तुम्हारी टीम में जो मर्जी प्लेयर रख लो, लेकिन लुल होगा, तुम्हारी किस्मत ऐसी है क्योंकि आगे भैया हम थे। हाँ राहुल भैया कल हमारा दिन था, कल तो कृणाल पांड्या ने कहर डाला इन हैदराबाद वालों पर। भैया पहले बॉलिंग में 3 विकेट लिया, फिर बल्लेबाजी में धुआंधार बैटिंग की, 34 रन बनाया, वो तो आउट हो गया, वरना 8-9 विकेटों से ठोकना था। पांड्या बरादर कोई बात नहीं, फिर भी हम 5 विकेटों से ठोकते, 16 ओवर में टारगेट पूरा होती, वो तो मैं आउट होती, मेरा बल्ला नहीं चला, मेरा बल्ला चलती तो हमने इनको 10 विकेटों से पेलना था, और वो भी 8-9 ओवर में टारगेट पूरा करना था, 122 का कोई टारगेट था, छोटा सा था। अबे चुप करो ससुरी वालों, रात का मैच किया जीत लिया, फिर भी हमने अच्छा स्कोर किया था। भूतनी वालों खामखा टैंग टैंग कर रहे हो, अब अगले मैच में हम आपसे बदला लेंगे। क्रिकेट में हार जीत होती रहती है, तुम तो भैया पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहे हो, अब चुप करके बैठो। वो हैदराबाद वालों ससुरी की नाती, कम से कम एक मैच जीत लो, फोकट में बहाने नहीं बनाओ। 10वें नंबर पर आने का आपने हर बार ठेका लिया, लास्ट नंबर पर कम से कम भैया 8वें नंबर पर आ जाओ, नहीं तो एक आधा मैच जीत के 9 नंबर पर आ रहा हो, आ जाओ शर्म कर लो कुछ। बाबर भैया फोकट में टाइम जाया कर रहे हो, ये ससुर के नाती कभी नहीं सुधरेंगे, एक आधा मैच भी नहीं जीत सकेंगे। ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद ना पूल मैच ये 10वें नंबर पर लटके हुए नजर आएंगे, मुझे तो खतरा है कि 11वें 12वें नंबर पर ना चले जाएं। अबे कोहली भाई बस करो, हमारा टीम जीतेगा, देख लेना अगले मैच में हम कप्तानी करेंगे, हम टूर्नामेंट जीतेंगे, बाकी बचे हुए मैचों में सब टीमों को रौंद के रख डालेंगे। तुम भी आना सामने, फिर तुमको मार मार के बताएंगे, फिर पूछेंगे। अब बोलो हाँ बी कुमार, तुम करो कप्तानी, चाहे हम करे कोई भी कप्तानी करे, लेकिन अब जो भी ससुर का हमारे सामने आएगा मैच खेलने के लिए, मारेंगे उसको ऐसा, बल्कि हराएंगे नहीं, बल्कि ऐसा शर्मनाक शिकस्त देंगे, हैदराबाद अब बनाएगा न्यू रिकॉर्ड। अबे हैदराबाद वालों ससुर के नाती फोकट में लंबी छोड़ रहे हैं, इस बार आपसे एक मैच भी नहीं जीता जाएगा, हम बता रहे हैं ना, ऐसा बेइज्जती होगा शर्मनाक देख लेने का। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।